नमस्कार सभी को। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th एंट्रेंस के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस होंगे बायोलॉजी के होंगे। आप एएमयू जामिया या किसी और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ डैश फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। तो म्यूकस किसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है? तो स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। और कौन से एसिड से? तो HCl से प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, पाइरूवेट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम्स। तो पाइरूवेट में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? तो पाइरूवेट में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया फ्रॉम द स्टमक द फूड एंटर्स। तो स्टमक से फूड कहाँ एंटर करता है? तो स्टमक से फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ फिटेड इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग, ठीक है। तो आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा होता है और इसके बारे में कुछ बातें दी गई हैं कि इट इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस, ये कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट होता है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से। ए ऑप्शन दिया गया है लिवर, बी ऑप्शन दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन, डी सी ऑप्शन इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड डी ऑप्शन इज एनस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसमें कहा गया हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड्स अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द डैश टू बी डाइजेस्टेड। देखिए हर्बीवोर्स जो होते हैं उनको क्योंकि घास खानी होती है और घास खाने के लिए आपको पता है जो इंटेस्टाइन होते हैं वो लंबे होने चाहिए। अब घास में ऐसा क्या है, कौन सी चीज़ डाइजेस्ट होनी होती है? तो ए ऑप्शन दिया गया है फैट्स, बी ऑप्शन इज़ विटामिन्स, सी ऑप्शन इज़ प्रोटीन्स एंड डी ऑप्शन इज़ सेल्यूलोज। तो इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन सेल्यूलोज इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा गया द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ। ए ऑप्शन दिया गया है फैट्स, बी ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन इज प्रोटीन्स एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो फैट्स को भी डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी, प्रोटीन्स को भी, इसका मतलब तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें कहा गया द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरूवेट टेक्स प्लेस इन। तो जो ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का पाइरूवेट में, ठीक है, तो जो ग्लूकोज है वो किस में बदल रहा है? पाइरूवेट में बदल रहा है, ठीक है। आपको बताना है ये प्रोसेस कहाँ पर होता है। ए ऑप्शन दिया गया है साइटोप्लाज्म, बी ऑप्शन दिया गया है राइबोसोम, सी ऑप्शन इज लाइसोसोम्स एंड डी ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो प्रोसेस होता है कहाँ होता है? दिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन। तो देखिए पाइरूवेट का ब्रेक डाउन हो रहा है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। आपको बताना है ये प्रोसेस कहाँ पर होता है। ए ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म, बी ऑप्शन इज राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड डी ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। तो आप कहेंगे इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज प्रोटीन डिफिशियंसी कॉजेज। क्वाशियोरकर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कहा गया क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस आर द डिजीज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ डैश। तो किसकी डिफिशियंसी से क्वाशियोरकर और मेरास्मस होता है? ए ऑप्शन दिया गया फैट्स, बी ऑप्शन इज विटामिन, सी ऑप्शन इज प्रोटीन्स एंड डी ऑप्शन इज मिनरल्स। तो प्रोटीन्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मिनी माता, ठीक है, मिना माता डिजीज़ इज कॉज्ड बाय डैश पॉइजनिंग। तो मिना माता डिजीज़ जो होती है वो किसकी पॉइजनिंग से होती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ए ऑप्शन इज फ्लोरीन, बी ऑप्शन इज मरकरी, सी ऑप्शन इज आयरन, डी ऑप्शन इज फॉस्फोरस। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज मरकरी। तो याद रखने के लिए आप याद रख लीजिए, एम से मरकरी और एम से मिना माता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। इटाई इटाई इज कॉज्ड बाय पॉइजनिंग ऑफ डैश। तो इटाई इटाई डिजीज़ किससे होती है? तो कैडमियम की पॉइजनिंग से होती है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है टेक ए स्मॉल फूड क्वांटिटी एंड ऐड कॉपर सल्फेट। आपने थोड़ा सा फूड लिया और उसमें क्या ऐड कर दिया? कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया एंड कॉस्टिक सोडा, साथ ही साथ उसमें कॉस्टिक सोडा भी ऐड कर दिया। इट टर्न्स वॉयलेट। तो जो सोल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा? वॉयलेट हो जाएगा। आपको बताना है ये किसका टेस्ट है। ए ऑप्शन फैट्स है, बी ऑप्शन इज विटामिन, सी ऑप्शन इज प्रोटीन्स एंड डी ऑप्शन इज मिनरल्स। ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है किसका होता है, तो ये टेस्ट है प्रोटीन्स का टेस्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज डैश देन इन एनारोबिक प्रोसेस। तो आपको बताना है जो एनर्जी रिलीज़ होती है एरोबिक प्रोसेस में वो कम होती है या ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक प्रोसेस। तो याद रखिएगा एरोबिक प्रोसेस अगर है तो वो प्रेजेंस ऑफ एयर में हो रहा है, और प्रेजेंस ऑफ एयर में जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द हीटिंग और वी कैन से द रिलीज़ ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक प्रोसेस में बर्निंग होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP इज ब्रोकन यूजिंग वाटर द एनर्जी इक्विवेलेंट टू डैश किलो जूल मोल इज रिलीज्ड। अब देखिए फॉस्फेट लिंकेज की जो टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज है जब वो ब्रेक होता है ATP में तो आपको बताना है कितने किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। तो 14th क्वेश्चन में देखेंगे ए ऑप्शन दिया गया है 8.5, बी ऑप्शन इज 10.5, सी ऑप्शन इज 25.5 एंड डी ऑप्शन इज 30.5। तो 30.5 किलो जूल पर मोल इज दी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें कहा गया ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल डैश इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। तो ब्लड किस फ्लूइड मीडियम में ब्लड में कौन सा फ्लूइड मीडियम होता है जिसमें सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। सेल्स मतलब जिसमें RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, तो जो फ्लूइड मीडियम होता है उसको कहा जाता है प्लाज्मा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द न्यूट्रिएंट्स दैट प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट। अब प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ए ऑप्शन फूड बिल्कुल करता है, बी ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड ये भी करता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, ऑक्सीजन इज कैरीड बाय विच ब्लड सेल। तो ऑक्सीजन कौन सा ब्लड सेल कैरी करता है, तो ए ऑप्शन RBC दिया है, बी ऑप्शन इज WBC, सी ऑप्शन इज प्लेटलेट्स एंड डी ऑप्शन इज प्लाज्मा। तो RBC जो है रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। नेक्स्ट इज इफ़ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट डैश मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है एल्वियोलर सरफेस जो है, ठीक है, एल्वियोलाई का जो सरफेस है एल्वियोलर सरफेस है, अगर उसको स्प्रेड आउट कर दें तो कितना एरिया वो कवर करेगा। तो ए ऑप्शन 40 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 80 मीटर स्क्वायर एंड डी ऑप्शन इज 100 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 80 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव हाउ मैनी चैम्बर्ड हार्ट। तो एम्फीबियन की बात अगर करी जाए या बहुत सारे रेप्टाइल की बात करी जाए तो कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इनके, इनके होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 होते हैं चैम्बर्स इनके हार्ट में। हाउ मैनी चैम्बर्ड हार्ट डू फिशेज हैव। अब देखिए फ़िश के कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं ये आपको बताना है। तो 1, 2, 3, 4 इज़ दी ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है, मतलब फ़िश के 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इसमें कहा गया है अर्थवॉर्म्स यूज डैश फॉर देयर रेस्पिरेशन। तो अर्थवॉर्म रेस्पिरेशन के लिए क्या यूज़ करता है, ए ऑप्शन इज मॉइस्ट स्किन, बी ऑप्शन इज रेफ्रिडिया, सी ऑप्शन इज मॉइस्ट क्यूटिकल एंड डी ऑप्शन इज ट्रैकियल ट्यूब्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहा गया एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू। तो फ्रॉग जो होते हैं वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू करते हैं। याद रखिएगा नेफ्रीडिया जो होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किसमें, अर्थवॉर्म्स में, ठीक है। अर्थवॉर्म्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है उसको नेफ्रीडिया बोलते हैं। मॉइस्ट क्यूटिकल भी हमने बताया था, ट्रैकियल ट्यूब से इंसेक्ट्स जो होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स रेस्पायर करते हैं ट्रैकियल ट्यूब से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज़ द कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन में जो हेल्प करता है उसको क्या कहा जाता है, तो साउंड बॉक्स भी कहते हैं और साथ ही साथ उसको कहते हैं लैरिंग्स। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। एपिग्लॉटिस गलत है, फेरिंग्स गलत है, नन ऑफ द अबव गलत है, तो लैरिंग्स विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा गया है ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स डैश टाइम्स अ मिनट। तो एक मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट ऑप्शन इज 5 to 8, सेकंड ऑप्शन इज 12 to 16, थर्ड ऑप्शन इज 25 to 30 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 60 to 70। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 to 16 टाइम्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा गया ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कितने मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, तो मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। ए ऑप्शन इज 2, बी ऑप्शन इज 3, सी ऑप्शन इज 4 एंड डी ऑप्शन इज 5। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। तो 25th का जो ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। 26 देखते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू अ सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। देखिए कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग जब छोटे छोटे से सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, तो 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। तो देखिए बॉडी में फूड अंदर ले रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, तो इंजेशन इज फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज डाइजेशन, सी ऑप्शन इज एसिमिलेशन एंड डी ऑप्शन इज एक्सक्रीशन। तो इसका आंसर है इंजेशन, इंजेशन इज द करेक्ट आंसर, 27 का ए ऑप्शन। 28 में कहा गया द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे इट इज़ अबाउट डैश मीटर आपको बताना है, तो किसकी यहाँ लेंथ पूछी गई है, तो यहाँ लेंथ पूछी गई है मान लेते हैं शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो आपको बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, लेकिन नहीं देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ बतानी है। अब देखिए नाम से आपको लगेगा लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होती है, लेकिन नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होती है, कितनी है 1.5 मीटर है। और अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे तो उसकी लेंथ जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मीटर्स होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड। तो जो फीकल मैटर होता है हमारी बॉडी से वो टाइम टू टाइम रिमूव होता रहता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ए ऑप्शन इज इंजेशन, बी ऑप्शन इज डाइजेशन, सी ऑप्शन इज एसिमिलेशन एंड डी ऑप्शन इज ईजेशन। तो इसमें ईजेशन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 30 देखिए, अपेंडिक्स वॉज हेल्पफुल इन डाइजेस्टिंग डैश। अपेंडिक्स किस चीज़ को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ए ऑप्शन इज फैट्स, बी ऑप्शन इज प्रोटीन, सी ऑप्शन इज रफेज एंड डी ऑप्शन इज वाइटामिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे रफेज जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो अपेंडिक्स किस चीज़ को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, रफेज को। 31, नेम दी लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है, ए ऑप्शन इज पैनक्रियाज, लिवर, पीनियल एंड डी ऑप्शन इज ब्रेन। तो इसमें लिवर जो है, ह्यूमन जो लिवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ डैश। तो बाइल किस चीज़ के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन इज फैट्स, बी ऑप्शन इज प्रोटीन, सी ऑप्शन इज रफेज एंड डी ऑप्शन इज वाइटामिन्स। तो इसका आंसर क्या है, फैट्स इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया नेम द प्रोटियोलेक्टिक एंजाइम, ठीक है, फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। तो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में जो एंजाइम मदद करता है जो कि ह्यूमन बेबी में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेनिन। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। 34 देखिए, द यूरिन कंसिस्ट ऑफ हाउ मच वाटर। तो यूरिन में कितना पानी होता है, तो 95% वाटर होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 95%। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया व्हाट आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। तो एनिमल जो एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, उसमें मेनली क्या क्या होता है, तो ए ऑप्शन अमोनिया, बी ऑप्शन इज यूरिया एंड सी ऑप्शन इज यूरिक एसिड, डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ईच किडनी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अप्रॉक्सीमेटली जो वेट होता है हर एक किडनी का वो कितना होता है, 150 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, ऑन एन एवरेज व्हाट अमाउंट ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पर मिनट किडनीज कितना ब्लड फिल्टर करती हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो पर मिनट जो किडनी है वो कितना ब्लड फिल्टर करेगी, अप्रॉक्सीमेटली 1100 ml होता है, लेकिन ऑप्शन 1000 ml दिया हुआ है तो हम लोग 1000 ml को लेकर चलेंगे। वैसे 1100 ml के आसपास किडनी जो होती है ब्लड फिल्टर करती है 1 मिनट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, नेफ्रॉन्स इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ। तो देखिए नेफ्रॉन की बात करी जाए तो ए ऑप्शन ब्रेन, बी ऑप्शन इज हार्ट, सी ऑप्शन इज किडनी एंड डी ऑप्शन इज लंग्स। तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, और अगर न्यूरॉन की बात करते तो न्यूरॉन किसकी फंक्शनल यूनिट होती है, तो न्यूरॉन वुड बी द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 39, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। अब आपको बताना है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इसमें कौन से हैं। हेट्रोट्रॉफिक होते क्या हैं, जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते, जो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ओनली एनिमल्स, ओनली फंजाई या बोथ एनिमल्स एंड फंजाई। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज बोथ एनिमल्स एंड फंजाई। 40 देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। तो प्लांट्स आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। लेकिन साथ ही साथ कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको बताना उनमें से क्या है। सिर्फ सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ेगी, या दोनों की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसमें आंसर है बोथ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इस प्रोसेस को होने में। 41 में कहा गया था कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अगर वो यूज़ नहीं हो पाते पूरे पूरे, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं ये आपको बताना है। तो दे आर स्टोर्ड, याद रखिएगा, दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो बी ऑप्शन आपको दिया गया है, बी ऑप्शन मतलब स्टार्च जो दिया गया है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में कहा गया नेम द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन यूज्ड बाय अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कस्कटा, जिसको अमरबेल कहेंगे, टिक्स और लाइचेस, ठीक है, जो लीच होती हैं, लाइस या लीचेस जो होती हैं उनकी बात करी गई है। तो ये जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसको क्या कहेंगे हम लोग? ए ऑप्शन पैरासिटिक, बी ऑप्शन इज ऑटोट्रॉफिक, सी ऑप्शन इज सेप्रोट्रॉफिक एंड डी ऑप्शन इज होलोजोइक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 43 में कहा गया ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, आपको बताना है इनमें से ऑटोट्रॉफ कौन से हैं। तो ए ऑप्शन दिया गया बैक्टीरिया एंड वायरस, बी ऑप्शन इज बैक्टीरिया एंड फंजाई, सी ऑप्शन इज ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया एंड डी ऑप्शन इज ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल बैक्टीरिया। तो 43 में अगर आप देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कुछ बैक्टीरिया, जिसको जैसे ब्लू ग्रीन, ठीक है, जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं और साथ ही साथ ग्रीन प्लांट जो होंगे वो तो ऑटोट्रॉफ होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 में कहा गया है अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल इज, आपको बताना है एलिमेंट्री कैनाल के साथ इनमें से कौन सी ग्लैंड एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन दिया गया है लिवर, बी ऑप्शन दिया गया है सलाइवरी ग्लैंड, सी ऑप्शन दिया गया है पैनक्रियाज एंड डी ऑप्शन दिया गया है एड्रीनल ग्लैंड। तो इसमें एड्रीनल ग्लैंड जो है वो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये क्या करती है? एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रीट करती है और इसका कोई भी फंक्शन डाइजेशन में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 45 विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड बाय स्टमक। तो स्टमक किस चीज़ को मेनली डाइजेस्ट करने में मदद करता है? ए ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट्स, बी ऑप्शन इज प्रोटीन, सी ऑप्शन इज लिपिड्स एंड डी ऑप्शन इज फैट्स। तो 45 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें आंसर है प्रोटीन्स। तो जो हमारा स्टमक है वो मेनली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज 46 लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन मेनली कैरीज आउट। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन जो होता है वो मेनली क्या होता है? ए ऑप्शन इज एब्जॉर्प्शन, बी ऑप्शन इज एसिमिलेशन, सी ऑप्शन इज डाइजेशन ऑफ फैट एंड डी ऑप्शन इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है दैट इज एब्जॉर्प्शन। और किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन? मेनली ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज ईलियम, सेकंड ऑप्शन इज फूड पाइप, थर्ड ऑप्शन इज हीमोग्लोबिन एंड फोर्थ ऑप्शन इज विंड पाइप। तो ईसोफेगस को हम लोग और क्या कहते हैं? फूड पाइप भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48 देखिए द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाई ईस्ट नॉर्मली ईल्ड्स। तो देखिए ईस्ट से जब फर्मेंटेशन होगा ग्लूकोज का तब क्या बनेगा ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो एल्कोहल, कार्बन मोनोऑक्साइड 36 एटीपी ये बनेगा कि CO2 H2 और 36 एटीपी बनेगा कि एल्कोहल CO और 2 एटीपी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर CO नहीं होगा, यहाँ पर CO2 होगा। तो एल्कोहल बनेगा, CO2 बनेगा और 2 एटीपी बनेगा। इसमें C ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। 48 का C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49 लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी बाय द लंग्स। तो हमारी जो लंग्स हैं वो किस चीज़ को रिमूव करने में मदद करती हैं ये आपको बताना है। तो CO और H2O, ठीक है, CO ओनली, H2O अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे लंग्स में भी देखेंगे तो आप ये CO नहीं CO2 होना चाहिए मेनली। तो यहाँ पे A ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो 49th क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखें तो देखिए यहाँ पे H2O दे दिया गया है, लेकिन हमारा लंग्स जो है वो वाटर कभी भी रिलीज़ नहीं करता, वाटर कभी भी एक्सक्रीट आउट नहीं करता है। तो रिमूवल किसका होता है? सिर्फ CO2 का होता है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है CO2 जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। इसमें H2O गलत है। H2O तो जो हम लोग ट्रांसपीरेशन करते हैं, जो इवापोरेशन होता है उससे बाहर निकल जाता है बॉडी में से। तो इसमें ए ऑप्शन नहीं, इसमें बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज़ CO2। नेक्स्ट देखते हैं 450 में क्या कहा गया। इन रेस्पिरेशन एयर पासेस थ्रू, अब आपको बताना है रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो एयर है वो किस तरीके से पास होगी। तो सबसे पहले नेसल कैविटी आएगी, फिर फेरिंग्स आएगा, फिर लैरिंग्स आएगा, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई और फिर ब्रोंक्यूल्स। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड। तो देखिए जो वाटर वेपर है वो निकल जाएगा स्टोमेटा से। ठीक है, आपको बताना है जो वाटर लॉस होता है वो किस प्रोसेस से होता है। ए ऑप्शन इज ट्रांसपोर्टेशन, बी ऑप्शन इज ट्रांसपीरेशन, सी ऑप्शन इज गटेशन एंड डी ऑप्शन इज ट्रांसलोकेशन। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, दैट इज ट्रांसपीरेशन। 52 में कहा गया इन अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो होता है वो कम्प्लीटली इनक्लोज किस में रहता है। तो ए ऑप्शन इज वेसल्स, बी ऑप्शन इज हार्ट, सी ऑप्शन इज स्केलेटन एंड डी ऑप्शन इज साइनस। तो इसमें आपको पता होगा हमारे पास वेसल्स हैं, वेसल्स में आर्टरीज़ होती हैं, वेंस होती हैं, कैपिलरीज़ होती हैं। तो इसी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में जो ब्लड होता है वो हमेशा वेसल्स में ही फ्लो करता है या इनक्लोज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें कहा गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक का मतलब होता है हाई बीपी और डायस्टोलिक का मतलब होता है लो बीपी। और हाई बीपी जो नॉर्मल पर्सन का होगा वो हो जाएगा 120 mm ऑफ Hg और जो लो बीपी हो जाएगा वो हो जाएगा 80 mm ऑफ Hg। Hg क्या होता है? Hg इज़ मरकरी। इस बात को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि Hg इज़ व्हाट? Hg इज़ मरकरी। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन दिया गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पोल्ड इनटू राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, बी ऑप्शन इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ फ्लैट वॉर्म्स आर फ्लेम सेल्स, सी ऑप्शन दिया गया ह्यूमन किडनीज हैज़ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रीडिया। देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, 1 मिलियन नेफ्रीडिया नहीं होते, 1 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स नहीं नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें यही जो ऑप्शन है सी ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो सही है। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज़, ये भी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लिवर। तो बाइल लिवर से कौन रिसीव करता है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 56 में। ए ऑप्शन दिया गया स्टमक, बी ऑप्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, डी ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड डी ऑप्शन इज इसोफेगस। तो इसका आंसर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज दी करेक्ट आंसर। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखते हैं। व्हेन एयर इज ब्लोन इन माउथ फ्रॉम माउथ टू दी टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। देखिए एक टेस्ट ट्यूब था जिसमें लाइम वाटर था, लाइम वाटर में क्या किया गया, लाइम वाटर मिल्की हो गया। बताना है किसकी प्रेजेंस में। तो देखिए CaO है और इसकी रिएक्शन किससे हो जाती है? CO2 से। क्या बन जाता है? CaCO3 बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंस था, इसका मतलब जो हमारे सांस में हमारे जो एयर जो थी, ठीक है, जो हम लोग ब्लो आउट कर रहे थे उसमें क्या प्रेजेंट था? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है यही किस कलर का हो जाता है? ये होता है वाइट। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ये CaO नहीं होगा, ये CaOH होल टॉइज होगा क्योंकि लाइम वाटर लिया गया है। तो CaCO3 प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, और ये CaCO3 क्योंकि वाइट होता है तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो लाइम वाटर था CaOH होल टॉइज, ये कैसा हो गया? मिल्की हो गया। 58 है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम डैश। तो जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कहाँ से आती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट कहा गया है वाटर, सेकंड इज क्लोरोफिल, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ इज ग्लूकोज। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज वाटर। तो पानी से आती है वो ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59। द प्लेस वेयर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव पैसेज कम टुगेदर इज कॉल्ड। तो जहाँ पर रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव पैसेज एक साथ आते हैं उनको क्या कहा जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है फेरिंग्स। ठीक है, तो 59 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स डू बर्ड्स हैव। अब आपको बताना है बर्ड्स में कितने चैम्बर होते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आपको पता होगा जो बर्ड्स होती हैं वो कितने कैसी होती हैं, तो इनको भी मैमल्स कह सकते हैं। और मैमल्स में कितने चैम्बर्स होते हैं, मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स हो जाएंगे या एट्रियम हो जाएंगे और 2 वेंट्रिकल्स हो जाएंगे। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। द टीथ कवर्ड विद अ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया इज कॉल्ड। तो जो टीथ होती है वो येलोइश लेयर से कवर हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इज फ्लोरीन, बी ऑप्शन इज प्लेग, सी ऑप्शन इज इनेमल एंड डी ऑप्शन इज मोलर्स। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन प्लेग। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, द आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन रिएक्टिंग विद। तो ये स्टार्च टेस्ट होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो स्टार्च के साथ जब आयोडीन रिएक्ट करता है तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया, द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच स्टैंड्स फॉर। तो एटीपी का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। ए से हो जाएगा एडिनोसिन, टी से हो जाएगा ट्राई और पी से हो जाएगा फॉस्फेट। ठीक है, क्वेश्चन 64 में कहा गया, द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द डैश ऑफ लंग्स। तो लंग्स के किस पोर्शन में एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ए ऑप्शन इज एल्वियोलाई, बी ऑप्शन इज ब्रोंक्यूल, सी ऑप्शन इज वॉल एंड डी ऑप्शन इज बोलस। तो बोलस तो इसका पार्ट ही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इज आरबीसी, बी ऑप्शन इज डब्ल्यूबीसी, सी ऑप्शन इज प्लाज्मा एंड डी ऑप्शन इज प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें कहा गया, व्हाट आर दी वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट। तो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, ओनली गम्स, ओनली रेजिन्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। तो दोनों के दोनों प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। 67 देखते हैं, 67 में क्या कहा गया, नेम द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कहाँ पर होता है किसी सेल में। ए ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन इज लाइसोसोम, सी ऑप्शन इज स्टोमेटा एंड डी ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं, विच ऑफ द ब्लड सेल हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन मदद करता है। तो ना डब्ल्यूबीसी करता है, ना आरबीसी करता है, ना प्लाज्मा करता है, क्या करता है, प्लेटलेट्स हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट होने में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू फ्लोएम। तो फ्लोएम के थ्रू जो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस के जो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स थे वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे फ्लोएम के थ्रू। अब आपको बताना है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन इज ट्रांसलोकेशन, बी ऑप्शन इज ट्रांसपीरेशन, सी ऑप्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड डी ऑप्शन इज सर्कुलेशन। तो ट्रांसलोकेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 69। 70 देखते हैं, 70 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीअब्जॉर्ब बाय किडनी। किडनी किस चीज़ को रीअब्जॉर्ब करती है, अमोनिया, अमीनो एसिड्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो इसका आंसर है अमीनो एसिड्स, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन अमीनो एसिड्स का होता है। 71 देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। तो रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है नेफ्रॉन्स में, तो ये होता है ट्यूबुलर पार्ट में, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज़ इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द ट्यूब लाइक। अब देखिए, जो किडनी से यूरिन पहुंचती है यूरिनरी ब्लैडर में वो एक ट्यूब के थ्रू पहुंचती है। उस ट्यूब को क्या कहते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है, यूरेथ्रा, यूरेटर्स और एनस। तो 72 में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी यूरेटर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 72। 73, वॉट इंश्योर्स दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो एट्रिया और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कौन प्रिवेंट करता है ब्लड के बैक फ्लो को। तो आर्टरीज, वेन्स, वॉल्व्स या कैपिलरीज। तो इसका आंसर है वॉल्व्स। तो वॉल्व्स इसी काम के लिए लगे होते हैं। नेक्स्ट इज, एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव डैश चैम्बर्ड हार्ट एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम के मिक्स होने को टॉलरेट करते हैं कौन, एम्फीबियंस और कुछ रेप्टाइल। इनका हार्ट कैसा होता है, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 75, द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर 1 सेल थिक एंड आर कॉल्ड। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है तो थिक वॉल जो होती हैं वो किसकी होती हैं, तो यहाँ पर है कैपिलरीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76। कंसीडर द टू स्टेटमेंट, यहाँ देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए। आर्टरीज आर दी वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सही है। सेकेंड में कहा गया सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ठीक है। तो ये थिक इलास्टिक वॉल्स होंगी आर्टरीज की, ये बात याद रखिएगा। दोनों बातें बिल्कुल सही है क्योंकि हार्ट से खून निकल रहा है तो जो हार्ट से ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा, हाई प्रेशर का होगा। दोनों बातें सही हैं, तो इसका बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 इज़ करेक्ट। 77 में कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिक बैक टू हार्ट, बिल्कुल ठीक है, वेन्स का काम यही होता है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, वेन में वॉल थिक नहीं होती, क्यों, क्योंकि हार्ट से निकल रहा है तो ब्लड के बॉडी पार्ट से निकल रहा है, तो ये भी बात सही है। दे हैव वॉल्स दैट इंश्योर्स द ब्लड टू फ्लो इन 2 डायरेक्शंस, तो वॉल्स का काम ये नहीं होता है कि वो 2 डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो कराए, इसका काम ये होता है कि ब्लड को सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कराए, तो इसमें सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। 78 देखते हैं, टिश्यू फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड, तो टिश्यू फ्लूइड को और क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है लिम्फ्स, ठीक है। 79 में वॉट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, तो ये जो फंक्शन दिया गया है किसका फंक्शन है, तो लिम्फ का ही ये फंक्शन है। नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट, फ्रॉम द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, तो देखिए जो वाटर है वो लॉस हो जाता है, चला जाता है, ठीक है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, तो ए ऑप्शन इज ट्रांसपोर्टेशन, बी ऑप्शन इज ट्रांसपीरेशन, सी ऑप्शन इज गटेशन एंड डी ऑप्शन इज ट्रांसलोकेशन, तो अभी हमने देखा था दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। 81 द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू नोन एज, तो आपको बताना है जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है, ठीक है, जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू और ट्रांसलोकेट हो रहा है, ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है, तो ये प्रोसेस होता है फ्लोएम के थ्रू, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 82 में कहा गया द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर डैश, तो किडनीज़ का मेनली काम क्या होता है, तो ए ऑप्शन इज न्यूट्रिशन, गलत है, रेस्पिरेशन गलत है, एक्सक्रीशन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, एक्सक्रीशन में किडनीज़ हेल्प करती हैं। 83 देखते हैं द जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज़ दी करेक्ट आंसर। फूड को ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, तो फ्लोएम से होता है, ठीक है, फ्लोएम से होता है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की होगी, वाटर की होगी, बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल की होगी, बिल्कुल ज़रूरी है, सनलाइट की होगी, ये भी ज़रूरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स फूड बाय स्यूडोपोडिया, तो स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड कौन इनटेक करता है, ए ऑप्शन इज फिश, बी ऑप्शन इज हाइड्रा, सी ऑप्शन इज अमीबा एंड डी ऑप्शन इज बटरफ्लाई, तो सी ऑप्शन अमीबा इज दी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 85। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय, तो देखिए एनिमल्स में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो कौन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, तो नर्वस टिश्यू केवल प्रोवाइड करते हैं, दोनों प्रोवाइड करते हैं, मतलब नर्वस और मस्कुलर दोनों ही प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। तीसरा ऑप्शन ही दिया है, चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द अबव, तो देखिए केवल ना नर्वस करते हैं और ना ही केवल मस्कुलर करते हैं, दोनों मिलके करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, तो इन दोनों मिलके क्या करते हैं, बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं एनिमल्स में। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट डैश व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट डैश, तो देखिए जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या डिटेक्ट करते हैं, तो ये टेस्ट डिटेक्ट करते हैं, याद रखिएगा गस्टेटरी मतलब होता है टेस्ट डिटेक्ट करने वाले, और ऑल्फैक्टरी क्या डिटेक्ट करते हैं, तो ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोग को फिलहाल याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया एट द एंड ऑफ डैश, अब आपको बताना किसके एंड पे द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके एंड पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं वो सेट ऑफ रहते हैं रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, केमिकल का भी वहां पर रिलीज होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो ये होता है किसके एंड पे, एक्सॉन के एंड पे चीज देखने को मिलती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, असर्शन दिया गया, रीजन दिया गया। असर्शन में कहा गया है नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो ब्रेन की फंक्शनल यूनिट याद रखिएगा क्या है, न्यूरॉन है। अब यहाँ पर बोला गया है कि नर्वस टिश्यू जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का बना होता है, नर्व सेल के ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का बना होता है। बात बिल्कुल सही है, तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में कहा गया इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ये भी आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो नर्व सेल्स होते हैं या जो न्यूरॉन्स होते हैं क्या करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं, और किस फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में वो कंडक्ट करते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन में कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज असर्शन। रीजन बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा गया रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली When we talk about some sudden action। तो देखिए जब भी हम लोग सडन एक्शन की बात करते हैं, जो हम लोग के ब्रेन का रिस्पॉन्स होता है, स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स हैं उसका जो रिस्पॉन्ड होता है बहुत क्विक होता है, तो ऐसे एक्शन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा गया, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या रहा है, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाई एन आउटपुट एक्शन माइट बी कम्प्लीटेड क्विकली सच कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड। तो देखिए अभी हमने आपको बताया क्विक रिस्पॉन्स जब होगा, ठीक है, जब क्विक रिस्पॉन्स होता है तो जो मतलब जो प्रोसेस होगा उसको क्या कहा जाएगा, तो इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, और इस पूरे आर्क को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी साइकिल है, इसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में कहा गया है रिफ्लेक्स आर्क आर फाउंड फॉर्म्ड इन डैश। तो देखिए रिफ्लेक्स आर्क जो होते हैं फॉर्म कहाँ पर होते हैं, ठीक है, ऑल्दो द इन्फॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रीच दी ब्रेन। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनल इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंचती है, ब्रेन में पहुंचती है। तो देखिए रिफ्लेक्स आर्क का जो फॉर्मेशन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं एट्थ क्वेश्चन को देखेंगे। एट्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ बॉडी। तो देखिए पूरी बॉडी का जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है वो क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेन कोऑर्डिनेटिंग मतलब जो मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है वो हमारी बॉडी में कौन करता है, ब्रेन करता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पे आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में, देखिए असर्शन रीजन बेस्ड फिर से एक क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है और एक क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। बात बिल्कुल सही, तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में दिया गया दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। तो मतलब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं बॉडी के हर पार्ट से और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये रीजन भी क्या है, इसमें बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें भी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, असर्शन और रीजन दोनों सही होंगे, एक्सप्लेनेशन सही यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं टेंथ क्वेश्चन को देखेंगे। द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय। देखिए जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, मतलब जो कम्युनिकेशन हो रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के बीच में, ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये कौन करता है, तो ये पीएनएस करता है। कौन करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में देखिए क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ के बाद 11th पे आते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन। तो देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर आप देखेंगे मेनली दो पार्ट है, पहला आपके पास देखने को मिल रहा है क्रेनियल नर्व्स है इसमें, और दूसरी स्पाइनल नर्व्स हैं। अब देखिए क्रेनियल नर्व्स हैं कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से अराइज करती हैं, तो ब्रेन से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स कहाँ से निकलेंगी, नाम से पता चल रहा है स्पाइनल मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। रमनदीप भगत का आंसर सही आ रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट आप लोग का नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है, और सीधे आपको क्वेश्चन और आंसर बताते हैं जिससे आपका टाइम बच सके, और जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है वहां पर एक्सप्लेन भी करते हैं। तो 12th पे आते हैं। 12th क्वेश्चन में कहा गया ब्रेन हैज डैश मेजर पार्ट्स और दी रीजन्स। तो ब्रेन में कितने मेजर पार्ट्स होते हैं, कितने रीजन्स होते हैं, तो 3 होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन। तो ये बात तीनों याद रखिएगा कि 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो देखिए जो मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का वो क्या होता है, तो वो होता है फोर ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन जो है हमारे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जो मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का वो क्या है, फोर ब्रेन है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ डैश। तो देखिए हम लोग को जो भूख लगती है या जो हम लोग का पेट भरा होता है सब चीजें, इसका जो सेंसेशन होता है ये किस पार्ट से होता है, ब्रेन के किस पार्ट से होता है, तो ये होता है फोर ब्रेन से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग, अब देखिए इनवॉलेंट्री एक्शंस पहले समझ लीजिए क्या होते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे वॉमिटिंग हो गई, सलाइवेशन हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गया, तो इसको हम लोग अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इसको ऐसे एक्शंस को क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री एक्शंस कहा जाता है। अब बोला गया इनवॉलेंट्री एक्शन जो है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो वो मेडुला कंट्रोल करता है, और मेडुला कहाँ होता है, तो हाइंड ब्रेन में होता है, तो मेडुला इन दी हाइंड ब्रेन विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए कुछ बातें बताई गई, जैसे अगर आप स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आपको पेंसिल उठानी है, तो ये सब जो है ये किस हाइंड ब्रेन के कौन सा पार्ट जो है वो इसको रेगुलेट करेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो ये करता है सेरिबेलम, ठीक है, तो सेरिबेलम का काम होता है। जब कोई इंसान कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ले लेता है, एल्कोहल ले लेता है, तो आपने देखा होगा वो रोड पे सीधे नहीं चल पाता, तो सीधे नहीं चल पा रहा, इसका मतलब उसका असर कहाँ हो रहा है, सीधे सीधे सेरिबेलम पे हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसेशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। अभी हमने इनवॉलेंट्री एक्शन देखा था, अब कहा गया वॉलेंट्री एक्शन जो है और बॉडी का पॉस्चर और बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट जो हमको मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब बताना है कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्रेन का सेरिबेलम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है वॉलेंट्री एक्शंस के लिए भी और बॉडी का पॉस्चर और बैलेंस बनाने के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा जब कोई इंसान एल्कोहल ले लेता है तो उसका बैलेंस भी जो होता है वो बॉडी का खराब हो जाता है, अपने को बैलेंस नहीं कर पाता, गिरने लग जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स दी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो ये करता है वर्टीब्रल कॉलम, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, याद रखिएगा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम क्रेनियम करेगा। फीमर क्या होता है, तो लॉन्गेस्ट बोन होती है या स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होती है, और स्टेप जो होती है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है, याद रखिएगा। और स्टेप्स कहाँ पर होती है, तो ये ईयर की बोन है, और जो फीमर है कहाँ बोन है, तो थाई की बोन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 19 क्वेश्चन कह रहा है मसल सेल हैव स्पेशल डैश। अब मसल सेल में ऐसा क्या होता है दैट चेंज बोथ देयर शेप, जिसकी वजह से शेप चेंज होता है, अरेंजमेंट चेंज होता है सेल में इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो मतलब जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रेन से आते हैं तो उस तरीके से हमारे मसल्स में मसल्स का शेप चेंज होता है, अरेंजमेंट जो सेल में होता है वो चेंज होता है। तो ऐसा मसल में कौन सी चीज होती है, मसल्स में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो मसल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स जो ये काम कर पाते हैं। व्हेन सीड जर्मिनेट्स, देखिए जब सीड का जर्मिनेशन होता है रूट गोज डैश एंड द स्टेम कम्स डैश इनटू द ईयर। तो रूट किधर की ओर जाता है, तो रूट डाउन की तरफ जाता है, और स्टेम किधर की ओर जाता है, तो स्टेम अप की तरफ जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 क्वेश्चन में कहा गया प्लांट सेल चेंजेस शेप। अब देखिए एनिमल सेल में हमने देखा कि एनिमल जो है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर स्पेशल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, मसल्स में स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाती हैं। प्लांट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सेल जो होते हैं वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो सेलिंग होती है, उसमें श्रिंकिंग होती है जिसकी वजह से शेप चेंज हो पाता है। तो ऐसा क्या है प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में वाटर होता है, ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर होगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, गेन ऑफ वाटर होगा तो वो स्वेल हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कहा गया सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट क्लाइंब अप टू द अदर प्लांट और फेंसेस बाय द मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। तो देखिए टेंड्रिल्स आप लोग ने देखा हो, जैसे मान लीजिए ये आपका एक वायर है कोई, इसके ऊपर देखा होगा इस तरीके से टेंड्रिल्स आ जाती हैं, ठीक है। अब ये टेंड्रिल जो आ रही हैं इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो आगे की ओर ग्रोथ करता रहता है, इस तरीके से टेंड्रिल्स बढ़ती रहती है। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए ये बात भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और यहाँ पर देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन भी क्या है बिल्कुल सही है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें कहा गया इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। तो देखिए दो तरीके के फोटोट्रॉफिक मूवमेंट की बात करी गई है, अब इसमें बताना है कि जो रूट्स में फोटोट्रॉफिक मूवमेंट होता है, जो लीव्स में होता है, वो किस तरीके का होता है। तो देखिये रूट्स में जो फोटोट्रॉफिक मूवमेंट है ठीक है। बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट कहाँ पर होगा, तो ये लीव्स में होगा। लीव्स जो होती है वो किसकी तरफ बेंड होती हैं, तो लाइट की तरफ बेंड होती हैं। लेकिन जो रूट्स होते हैं, रूट्स किधर की ओर बेंड होते हैं, तो अवे फ्रॉम द लाइट बेंड होते हैं। तो पहले में आ जाएगा लीव्स, दूसरे में आ जाएगा रूट्स। तो शूट्स और रूट्स बोले तो ज्यादा सही रहेगा। तो शूट्स और रूट्स यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर लीव्स ना लिखें, बेटर क्या रहता है, शूट्स लिखा जाए। तो शूट्स एंड रूट्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज कॉल्ड। तो देखिए जो रिस्पॉन्स पुल ऑफ अर्थ का या जो ग्रेविटी का रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, क्या कहा जाएगा, इसको जियोट्रॉपिज्म कहा जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड ओव्यूल्स। देखिए पॉलन ट्यूब जो होती है उसका ग्रोथ जब ओव्यूल्स की तरफ होता है, तो ये किसका एक एग्जांपल है, तो ये केमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, 25 में जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट्स लाइट। तो देखिए जब ग्रोइंग प्लांट होता है, जब वो लाइट को डिटेक्ट करता है, अ हार्मोन कॉल्ड डैश इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। तो शूट की टिप पे एक हार्मोन सिंथेसाइज होता है जो उसकी ग्रोथ को और बढ़ाता है, सेल की ग्रोथ को जो बढ़ाता है। ये कौन से हार्मोन की यहाँ बात हो रही है, ऑक्सिन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ऑक्सिन की बात हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अपार्ट फ्रॉम ऑक्सिन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम। तो स्टेम की ग्रोथ में ऑक्सिन तो हेल्प करता ही करता है, उसके साथ और कौन हेल्प करता है, तो यहाँ पर देखा जाए साइटोकाइनिन गलत है, इसका सही आंसर है जिबरलिन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट सेल डिवीजन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये आपका साइटोकाइनिन है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी की वजह से जो होता है, मतलब ये कह सकते हैं एंड इज नेचुरल देन दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। कहाँ पर मेनली प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन हो रहा होता है, जैसे फ्रूट्स और सीड्स हैं, वहाँ पर मेनली साइटोकाइनिन प्रेजेंट देखने को आपको मिलेंगे। Which of the following is an example of hormone which inhibits growth? देखिए ग्रोथ को बढ़ाने का काम जिबरलिन भी करता है, एब्सिसिक एसिड भी करता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड तो नहीं, जिबरलिन और साइटोकाइनिन की अगर बात करी जाए, तो ये क्या, जिबरलिन की बात करी जाए और ऑक्सिन की बात करी जाए, तो ये मेनली क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। लेकिन साइटोकाइनिन जो है, ठीक है, ये आपका क्या कर रहा था, तो ये मतलब अभी आपने देखा था साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन का भी हमने पूरा आपको बताया कि साइटोकाइनिन क्या कर रहा था, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा था। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है, तो ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है, मतलब ग्रोथ को रोकने का काम एब्सिसिक एसिड करता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बेटा सी इसमें सही है। 30th पे आते हैं। 30th क्वेश्चन में कहा गया, व्हेन द लेवल ऑफ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन इज लो। देखिए ग्रोथ हार्मोन का जब लेवल कम होगा, द डैश रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग द फैक्टर व्हिच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। तो देखिए जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम होता है, तो कौन ऐसा है जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, तो ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया, Which of the following is necessary for thyroid gland to make thyroxin hormone? तो देखिए थायराइड ग्लैंड आपको पता होगा थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, लेकिन किसकी प्रेजेंस की वजह से बना पाएगी, मतलब क्या चीज होनी चाहिए, किस चीज की नेसेसिटी होती है, आयोडीन। ठीक है, तो किसकी नेसेसिटी होती है, आयोडीन की कमी से आपको पता होगा एक डिजीज हो जाती है जिसको गॉइटर कहा जाता है। ठीक है, और इसी आयोडीन से क्या बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, जो कौन बनाता है, थायराइड ग्लैंड बनाती है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन का, फैट का, तो इन सब का मेटाबॉलिज्म जो है वो कौन रेगुलेट करता है, कौन सा ग्लैंड रेगुलेट करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये करता है थायरोक्सिन ग्लैंड। ठीक है, और जिसकी वजह से बॉडी का जो ग्रोथ होती है वो बैलेंस्ड वे में हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 33 में कहा गया, इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट इन आवर डाइट। तो देखिए अगर आयोडीन डेफिशिएंट होगा, हमारी डाइट में आयोडीन की कमी होगी, तो आपको पता है थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में क्रिएट नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा। ठीक है, जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाएगी, जिसको क्या कहा जाएगा, गोइटर कहा जाएगा। ठीक है, आप लोग ने गला देखा होगा, गला सूज जाता है, सूजन आती है गले में, उसी को कहते हैं क्या, गोइटर। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, याद रखिएगा। अनीमिया आयरन की या फोलिक एसिड की कमी से होती है। रिकेट जो है विटामिन डी की कमी से होती है। तो सारी डिजीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द डैश। तो देखिए ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करने का काम कौन करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर बिकॉज ऑफ दिस। देखिए आप लोग ने देखा होगा प्यूबर्टी के टाइम पे बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं, कई सारी ग्लैंड्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, मेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, तो फीमेल में ओस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है, और मेल में पूछा गया मेल में किसकी वजह से होता है, तो मेल में टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो ये कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 36 में, नेम दी हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज। अब देखिए पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में शुगर का लेवल मेंटेन रहता है, तो यह है इंसुलिन, ठीक है। मेनली दो हार्मोन पैनक्रियाज रिलीज करते हैं, एक इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन ब्लड के शुगर लेवल को रिड्यूस करता है, और यहाँ पर एक होता है ग्लूकेगॉन, ठीक है, ग्लूकेगॉन होता है, इसका काम क्या होता है कि अगर मान लीजिए शुगर का लेवल बहुत कम हो जाए तो ये बढ़ाने का काम करता है शुगर को, ठीक है। तो इंसुलिन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। 37 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। बताना है प्लांट हार्मोन इसमें कौन सा है, तो इंसुलिन आपको पता है एनिमल है, ठीक है, थायरोक्सिन भी एनिमल हार्मोन है, ईस्ट्रोजन भी एनिमल हार्मोन है, साइटोकाइनिन जो है ये कैसा हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, ठीक है, और मेनली ये सेल डिवीजन में प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं 38 क्वेश्चन में कहा गया द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ डैश। तो देखिए दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उस गैप को क्या कहा जाता है, इसे पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको कहेंगे सिनेप्स, ठीक है, और इस गैप को सिनेप्टिक गैप भी कहा जाता है। 39 क्वेश्चन पे आते हैं, 39 क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। अब देखिए ब्रेन क्या क्या करता है, तो थिंकिंग सोचने का काम करता है, बिल्कुल सही है। हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट कैसा मोशन है, मतलब किस तरीके का फंक्शन है, तो इनवॉलेंट्री एक्शन है, कैसा इनवॉलेंट्री एक्शन है, याद रखिएगा इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप से। बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी ये भी सही है, सेरिबेलम कर रहा था, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन करे मतलब ब्रेन के सारे ही फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, ये आप देखेंगे एनसीईआरटी के मिड में दिया गया है। वेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, तो इंफॉर्मेशन कहाँ एक्वायर्ड होती है, तो ये होती है डेंड्राइट्स में। कहाँ होती है, डेंड्राइट्स में होती है, आप लोग ने देखा होगा डेंड्राइट जो है ये न्यूरॉन का एक पार्ट है, किसका पार्ट है, न्यूरॉन का पार्ट है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे करके निकली होती हैं इस तरीके से, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में मतलब जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, ये कहाँ ट्रेवल होती है, तो ये एक्सॉन और सेल बॉडी में ट्रेवल होती है। कहाँ पर, एक्सॉन और सेल बॉडी में ट्रेवल होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। Where this impulse मतलब electrical impulse must be converted into chemical signals for onward transmission। फिर ये electrical impulse जो है ये chemical signal में convert होती है, और ये conversion कहाँ पर होता है, तो synapse में होता है। कहाँ पर होता है, synapse में होता है। तो इस तरीके से देखते हैं इसमें कहा गया which of the following is not necessary to maintain the life of an individual organism। तो देखिए life को maintain करने के लिए, किसी भी individual की life को maintain करने के लिए कौन सा ऐसा जो system है या ये कह सकते हैं प्रोसेस है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है लाइफ के लिए, ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए। इसके बाद रेस्पिरेशन की भी रिक्वायरमेंट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा होती है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए। रिप्रोडक्शन एक सेकेंडरी चीज़ है, हो ना हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका सिर्फ ये काम होता है कि जो हम लोग की ह्यूमन रेस है वो हमेशा मेंटेन रहे, वो हमेशा बरकरार रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन मेंटेन लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन का कोई भी रोल नहीं है। एक्सक्रीशन भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑफ कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिजाइन। तो देखिए बॉडी डिजाइन का जो ब्लूप्रिंट बनता है वो किस प्रोसेस में बनता है ये आपको बताना है। तो न्यूट्रिशन में नहीं बनता, रेस्पिरेशन नहीं बनता, किसमें बनता है, रिप्रोडक्शन में बनता है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है which of the following in the nucleus। अब न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या होता है which contains information for inheritance of features from parents to next generation। तो देखिए आपको पता होगा कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी चीज़ें होती हैं वो पेरेंट्स से कहाँ पहुँचती है, ऑफ स्प्रिंग में, मतलब जो भी बच्चे होते हैं उनमें पहुँचती है, ठीक है। और किस फॉर्म में पहुंचती है, तो डीएनए फॉर्म में पहुंचती है। तो ये किसके थ्रू पहुंचती है, तो न्यूक्लियस में एक ऐसा चीज होती है, एक ऐसी मतलब चीज होती है जिसके थ्रू ये चीज पहुंचती है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, और वो क्या होता है, वो होता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग डैश। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि जो डीएनए होता है सेल न्यूक्लियस में, ठीक है, पहली बात तो याद रखिएगा डीएनए कहाँ पर होता है, तो सेल न्यूक्लियस में डीएनए होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग, तो एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है और किस चीज को बनाने में मदद करता है, ठीक है, तो फॉर मेकिंग यहाँ पर हो जाएगा, जीन्स नहीं होगा, क्रोमोजोम नहीं होगा, हार्मोन्स नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, प्रोटीन्स विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। तो अभी हमने आपको बताया था स्पीशीज की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि जो हम लोग की रेस है, ह्यूमन रेस है, उसको बरकरार रखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, किस प्रोसेस की जरूरत होती है, तो न्यूट्रिशन जरूरी नहीं है, रेस्पिरेशन भी नहीं, इसमें सही आंसर क्या होगा, रिप्रोडक्शन इज दी करेक्ट आंसर। तो रिप्रोडक्शन का मेन जो रोल होता है वो यही होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया, मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इन टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है, ज्यादातर जो बैक्टीरियाज होते हैं और कई सारे प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो सिंपली क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, और वो दो इक्वल हाफ्स में ब्रेक हो जाएंगे, और किस टाइम पे, जब सेल डिवीजन का टाइम होता है तब ऐसा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 में कहा गया, इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, देखिए आपको एक ऑर्गेनिज्म दिया गया है, जैसे अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, तो स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। तो देखिए यहाँ पर जो सेल का डिवीजन होता है, ठीक है, जो दो सेल्स हैं, ठीक है, वो डिवीजन के जो स्प्लिटिंग होती है दो सेल्स की, ठीक है, वो डिवीजन के दौरान वो किसी भी प्लेन में हो सकती है, ठीक है, तो ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सेवेंथ में आते हैं, सेवेंथ में पूछा गया अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय, तो अमीबा का जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस होता है, तो इसमें बताना है। पहला फ्रेगमेंटेशन गलत है, बडिंग भी गलत है, इसका सही आंसर है बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है, फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, ठीक है, या स्प्लिट होना। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय लिशमेनिया। अब देखिए लिशमेनिया आपको बताना है, लिशमेनिया से क्या होता है, तो मलेरिया गलत है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, याद रखिएगा। और इसको जो मॉस्किटो जो कॉज करता है मलेरिया को, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। क्या है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से क्या होता है, मलेरिया होता है। रेबीज कैसी डिजीज है, तो रेबीज वायरस की डिजीज है। हर्ब्स भी यहाँ पर गलत आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या है, काला आजार इज दी करेक्ट आंसर है, काला आजार इज दी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9th में कहा गया मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। देखिए जो मलेरियल पैरासाइट है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, ये भी हमने आपको बताया, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये डिवाइड होता है, कई सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और जो प्रोसेस होता है वो किससे होता है, मल्टीपल फिजन से होता है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, गलत नहीं कहा गया है, यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यीस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय। अब देखिए यीस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रोसेस से होता है, तो पहला फ्रेगमेंटेशन दिया है गलत है, दूसरा बडिंग दिया है, बडिंग इज दी करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 11th देखते हैं, इसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्पायरोगायरा ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस। तो स्पायरोगायरा का ब्रेकडाउन होता है छोटे छोटे पीसेस में मैचुरेशन के टाइम पे। दीज पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, और फिर होता क्या है, ये जो नए नए पीसेस निकलते हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल्स के रूप में बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है यहाँ पर, तो इस प्रोसेस को क्या कहता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो आपसे अगर पूछा जाए स्पायरोगायरा जो है वो किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, तो आप वहां पर भी आंसर क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th क्या 12th पे आते हैं, 12th क्वेश्चन कह रहा है स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू। देखिए जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, एक टिश्यू बनाती है, और टिश्यू जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं तो क्या बनता है ये आपको बताना है। विच देन हैव टू बी प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस इन द बॉडी, और फिर जो बनता है टिश्यूज के ऑर्गेनाइजेशन से वो जब अलग अलग जगह पे, स्पेसिफिक जगहों पे, पोजीशन पे जब वो प्लेस होता है तो उससे एक बॉडी बनती है। तो टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन से क्या बनता है, तो बनते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो B ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 13 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म विच हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। तो देखिए आपको बताना ये है कि कौन सा ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो मेनली ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिनकी बॉडी फुल्ली डिफरेंशिएटेड होती है और इनके पास एबिलिटी क्या होती है कि ये नए इंडिविजुअल्स को राइज मतलब बर्थ दे सकते हैं। दे गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट मतलब अपने बॉडी पार्ट से ये नए इंडिविजुअल को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा किस में होता है ये आपको बताना है, किस प्रोसेस में होता है। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड रीजनरेशन। तो यहाँ पर रीजनरेशन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इंडिविजुअल इज कट और ब्रोकन up into many pieces and many of these pieces grow into separate individual is called। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल है मतलब एक अकेला कोई भी चीज़ है वो उसका कट डाउन हो या ब्रेकअप उसका मतलब वो ब्रेक हो कई छोटे छोटे पीसेस में और हर एक पीस जो है ठीक है वो सेपरेट इंडिविजुअल बन जाए। तो ये किस प्रोसेस में होगा? तो ये भी प्रोसेस जो है उसका नाम है रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन में ये चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। देखिए दो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, एक हाइड्रा है और एक प्लेनेरिया है। कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस। तो इसको कितने भी पीसेस में कट किया जा सकता है और हर एक पीस जो होगा वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे? रीजनरेशन कहेंगे। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर भी ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। तो हाइड्रा प्लेनेरिया में क्या हो रहा है? यहाँ पर रीजनरेशन भी हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग दी फॉलोइंग। तो आपको बताना है यहाँ पर जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला कहा गया है रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो रीजनरेशन जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल से होता है, बात बिल्कुल सही है। और सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द दिखाई पड़ रहा होगा जिसका नाम है प्रोलिफरेट। इसका मतलब क्या हो? अगर कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोलिफरेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब रीजनरेशन होता है तो जो सेल्स होते हैं ठीक है ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं और बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है, रीजनरेशन में ऐसा ही होता है। सेकेंड कहा गया फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सेल्स होते हैं मतलब जो सेल्स क्रिएट हो रहे हैं वही धीरे धीरे चलके अलग अलग सेल टाइप्स का फॉर्मेशन करते हैं और टिश्यूज का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड कह रहा है दीज चेंजेस टेक प्लेस इन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस। अब ये जो चेंजेस होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में होते हैं और इसको कहा क्या जाता है? डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। तो ये बात सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब सारे के सारे ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ डैश। देखिए यहाँ पर जो हाइड्रा की बात करी गई, हाइड्रा जो है वो रीजनरेटिव सेल्स को क्या करता है? यूज करता है और रिप्रोडक्शन होता है किस प्रोसेस से, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए रीजनरेटिव सेल्स को यूज कर रहा है लेकिन प्रोसेस का नाम क्या है जिससे रिप्रोडक्शन होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। और किसकी बात करी गई है? तो बात करी गई है हाइड्रा की। ठीक है, रीजनरेशन के बारे में भी हमने पूरा आपको बताया था। अब यहाँ पर हाइड्रा के बारे में देखेंगे तो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? बडिंग से होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। तो बताना है आपको, तो यहाँ पर बताना ये है कि कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का ठीक है जो नए पार्ट में डेवलप हो जाएगा अगर एप्रोप्रिएट कंडीशन उसको प्रोवाइड करी जाए। तो रूट्स डेवलप हो जाते हैं, स्टेम्स भी डेवलप हो जाती हैं, लीफ से भी डेवलपमेंट हो जाता है। किससे? इसका मतलब सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव इज दी करेक्ट आंसर। मतलब रूट से भी प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है, स्टेम से भी हो जाता है कई सारे प्लांट्स का डेवलपमेंट, और कई सारे प्लांट का डेवलपमेंट केवल लीफ से हो जाता है, ऐसे ब्रायोफाइलम है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं नेम द प्रोसेस विच इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग। अब देखिए यहाँ पर कुछ मेथड्स आपको दिए गए हैं जैसे लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, और जिससे क्या होता है कई सारे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है, कह सकते हैं कई सारे प्लांट का हम लोग ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे शुगर केन हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्राफ्टिंग मेथड अप्लाई होता है, रोजेज हो गए, ग्रेप्स हो गए, इतने स्टेम जो होती है ठीक है शुगर केन और रोज की बात मेनली करी जाए तो जो स्टेम होती है वो डायरेक्टली नए पेड़ में कन्वर्ट हो जाती है, नए पौधे में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो फ्रेगमेंटेशन गलत है, बडिंग गलत है, बाइनरी फिजन भी गलत है, दिस प्रोसेस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? तो ये प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, 20th क्वेश्चन में कहा गया प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब देखिए, जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बनते हैं, ठीक है, वो फ्लावर एंड फ्रूट उनमें होता है डैश दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। तो देखिए, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बनेंगे, ठीक है, उनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर हो गए, फ्रूट हो गए, वो पहले निकल आते हैं एज कम्पेयर टू जो प्लांट्स सीड से बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपने पेड़ बोया और उसको आपने सीड से बोया, ठीक है, तो उसमें जो फ्रूट और फ्लावर निकलेगा वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको निकलने में, लेकिन अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड से उसको बोया गया है तो उसमें फ्लावर और फ्रूट जल्दी निकल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एडवांटेज ऑफ डैश इज दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसकी एबिलिटी ये है, इसकी एडवांटेज ये है कि जितने भी आप प्लांट प्रोड्यूस करोगे वो सारे के सारे जेनेटिकली सिमिलर होंगे पेरेंट प्लांट के साथ। मतलब जो पेरेंट प्लांट था जिससे वो क्रिएट हो रहा था उस प्लांट के साथ वो जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होगा, सारी की सारी प्रॉपर्टी उनमें होगी। तो फ्रेगमेंटेशन में नहीं, बडिंग में नहीं, बाइनरी फिजन में ही। तो सही आंसर क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 कह रहा है बर्ड प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेज अलॉन्ग द डैश मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम। अब देखिए, ब्रायोफाइलम में आपको पता होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है, लेकिन किससे होता है? तो लीव से होता है, तो मार्जिन ऑफ लीव से, ठीक है, जो लीफ का मार्जिन होता है वहां से यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, नया प्लांट यहाँ पर डेवलप हो जाता है जब वो सॉइल पे गिरता है। ठीक है, ब्रायोफाइलम का जब लीफ सॉइल पे गिरेगा तब नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लीफ मार्जिन से फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 है यूजिंग टिश्यू कल्चर। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है टिश्यू कल्चर। मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। तो कई सारे प्लांट्स को हम लोग ग्रो कर सकते हैं सिंगल पेरेंट से, और वो भी डिजीज फ्री कंडीशन में। और इसी से ये जो प्रोसेस है, टिश्यू कल्चर जो प्रोसेस है, टेक्निक है, इससे ऑर्नामेंटल प्लांट्स को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। 24 में कहा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा इसमें टिश्यू कल्चर से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला दिया गया इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। तो देखिए, जो ग्रोइंग टिप होती है प्लांट की, उसमें से क्या करते हैं कि जो टिश्यू होता है या जो सेल्स होते हैं उनको सेपरेट कर जाता है, टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है टिश्यू कल्चर में। बात बिल्कुल सही है, और मेनली वहां से रिमूव किया जाएगा जो ग्रोइंग टिप होती है प्लांट की। सेकंड में कहा गया द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। और जो सेल्स होते हैं उनको एक आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस कर दिया जाता है जहां पर उनका डिवीजन होता है और कई सारे, ये कह सकते हैं, सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बात भी सही है। द कॉलस, यहाँ पर कॉलस जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उनको कॉलस भी कहा गया है। ठीक है, इस ट्रांसफर टू अनदर मीडियम, और जो ग्रुप ऑफ सेल्स क्रिएट हुए, जो कॉलस क्रिएट हुआ, इसको दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसमें हार्मोन्स होंगे, और ऐसे हार्मोन्स होंगे जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में मदद करेंगे। ठीक है, और जो प्लांटलेट्स बनेगी, फिर छोटे छोटे पौधे बन जाएंगे, प्लांटलेट्स बन जाएंगे, आर देन प्लेस्ड इन सॉइल, इनको फिर सॉइल में प्लेस कर दिया जाएगा, और जिसके बाद ये कई मतलब अलग अलग तरीके से मैच्योर प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बातें जितनी भी दी गई हैं, ये टिश्यू कल्चर में सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ई ऑप्शन मींस ऑल ऑफ दी, जो यहाँ पर देखिए नन ऑफ दी अबव होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है तो आंसर होना चाहिए नन ऑफ दी अबव, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 कह रहा है रीड द स्टेटमेंट एंड टेल विच इज करेक्ट। तो आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो पहला दिया गया द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप्ड ऑन द ब्रेड इन द अबव आर हाइफे ऑफ ब्रेड मोल्ड। देखिए, अबव नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा कई बार थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो ये ब्रेड मोल्ड भी बनते हैं। ठीक है, आर इनको कहा गया था हाइफे होते हैं ऑफ ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड मोल्ड के हाइफे होते हैं जिसको राइजोपस भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही कह रहा है। और स्टेटमेंट टू में कहा गया दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ये नहीं होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। फिर से पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है? बहुत आसान है, टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। ब्लॉब्स, अब देखिए यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर नन ऑफ दी अबव सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू जनरेशन इज क्रिएटेड फ्रॉम अ डैश इंडिविजुअल। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में आपको बताना है जो नया इंडिविजुअल बनता है वो किससे बनता है, तो सिंगल इंडिविजुअल से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो एक पेरेंट से ही क्या बन जा रहा है, नया इंडिविजुअल बन जा रहा है। तो यहाँ पर सिंगल इंडिविजुअल इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 कह रहा है विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट्स प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट जो हैं उनका इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे डीएनए का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसमें वो चीज होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल देन ईच new generation will end up having dash amount of DNA than the previous generation had। तो देखिए कितने डीएनए हो जाएंगे, ऐसे मान लीजिए आपसे बोला गया है जैसे पेरेंट है और यहाँ पर ऑफस्प्रिंग है, पेरेंट के डीएनए में और इसके डीएनए में कितना डिफरेंस होगा ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएनए होते हैं वो ट्वाइस होते हैं, ठीक है, पुराने वाले के डबल होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है जब रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द डैश। तो जी के रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है एंजियोस्पर्म का वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो वो लोकेटेड होता है फ्लावर में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। इसमें कहा गया है स्टेमेंस एंड पिस्टल। तो देखिए दो चीजों की बात करी गई, स्टेमर और पिस्टल की बात करी गई है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट किसके होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो स्टेमर और पिस्टल की बात अगर करी जाए, ये अमीबा से रिलेटेड नहीं है, बैक्टीरिया से नहीं है, फंजाई से नहीं है, किससे रिलेटेड है, फ्लावर से रिलेटेड है, ठीक है। और इसी में जर्म सेल होता है, जर्म सेल का मतलब ये कह सकते हैं सेक्स सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स तो यहाँ पर नहीं कहेंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स कह सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल एज इट कंटेन्स आइदर स्टेमन्स और पिस्टल। तो आपको बताना है यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए गए, मेनली वाटरमेलन दिया है, पपाया दिया है। इनमें से ऐसा कौन सा फ्लावर होता है, किसका फ्लावर है जिसमें केवल या तो स्टेमन होगा या तो केवल पिस्टल होगा, मतलब या तो ये कह सकते हैं कि या तो स्टेमन है या तो पिस्टल, मतलब दोनों नहीं हो सकते हैं, केवल दोनों में से एक होगा। तो पपायम भी ऐसा होता है, ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इसमें, और वाटरमेलन में भी यही सेम चीज होती है। तो यहाँ पर बोथ पपाया एंड वाटरमेलन विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बात करी गई थी यूनिसेक्सुअल की बात करी गई थी, यहाँ पर बाइसेक्सुअल की बात करी गई, थोड़ा सा गलत आ गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइसेक्सुअल एज इट कंटेन्स बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल। तो आपको बताना है कौन सा, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, चलिए छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेनली यहाँ पर हिबिस्कस की बात हो रही थी, आपको बता देते हैं क्वेश्चन पूछा सकता है कि हिबिस्कस जो है, हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है, ठीक है, वो उसका नेचर क्या होता है, तो मतलब वो बाइसेक्सुअल होता है क्योंकि उसके अंदर स्टेमन और पिस्टल दोनों चीजें होती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 में कहा गया स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखिए जो स्टेमन होता है वो क्या होता है, तो फ्लावर में या ये कह सकते हैं कि प्लांट में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, स्टेमन होता है, ठीक है। एंड इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, और ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है, पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। और आपको बताना है जो पॉलन ग्रेन का कलर होता है वो कैसा होता है, तो कलर होता है येलोइश, ठीक है, हरे मतलब पीले कलर का होता है, येलोइश विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा पॉलन ग्रेन का कलर पीला होता है। 35 पे आते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ फ्लावर। अब देखिए आपको बताना है सेंटर मतलब फ्लावर के बीचों बीच में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अभी हम लोग ने देखा, फीमेल होता है पिस्टिल, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। 36 यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला दिया गया पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अभी हमने देखा, बिल्कुल सही है। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। अब ये जो पिस्टिल होता है इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। द स्वॉलन बॉटम पार्ट इज द ओवरी। अब जो नीचे बॉटम पार्ट होता है थोड़ा सा फूला होता है, उभरा होता है, ये उसको क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। मिडल जो बीच में इलॉन्गेटेड पार्ट होता है उसको स्टाइल कहते हैं। और जो टर्मिनल पार्ट होता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, आप अगर फूल को छुएंगे, ठीक है, अंदर का पोर्शन थोड़ा छुएंगे तो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको स्टिग्मा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 37 क्वेश्चन, कह रहा है द डैश जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय pollen grain fuses with dash gamete present in the ovule। तो देखिए आपको बताना है कि जो यहाँ पर जो कौन सा germ cell है जो pollen grain प्रोड्यूस करता है और वो फ्यूज होता है किसके साथ में फ्यूज होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो मेल germ cell होता है, ठीक है, मेल germ cell है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक तरीके से कह सकते हैं जो pollen grain है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो मेल से प्रोड्यूस होती है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, मेल ये कह सकते हैं कि स्टेमन से प्रोड्यूस होती है और वो फ्यूज होता है किससे, तो फीमेल गेमीट से वो फ्यूज होता है। तो मेल गेमीट से प्रोड्यूस होता है pollen grain, वो कहाँ जाकर फ्यूज होता है, फीमेल गेमीट में फ्यूज होता है। तो यहाँ पर मेल आएगा पहले में, दूसरे में फीमेल आएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 38, इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डैश। अब देखिए जब प्लांट का रिप्रोडक्शन होना है तो पॉलन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होनी है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो पॉलन का ट्रांसफर होना होता है वो स्टेमन से कहाँ होता है, स्टिग्मा पे होना है। ठीक है, तो स्टेमन टू स्टिग्मा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर्स इन सेम फ्लावर इज रिफर्ड टू एज। देखिए अगर पॉलन का ट्रांसफर सेम फ्लावर में होता है तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं उसको, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर पॉलिन का ट्रांसफर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर पहले में आ जाएगा सेल्फ, दूसरे में आ जाएगा क्रॉस, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। 40वें क्वेश्चन में कहा गया ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज नॉट अचीव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट। तो देखिए जो पॉलिन का ट्रांसफर होता है वो कई प्रोसेसेस से होता है, कई मेथड से होता है। तो विंड के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, वाटर के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है पॉलिन का, एनिमल्स के थ्रू मतलब इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हनी भी होती है, इसके थ्रू भी ट्रांसफर हो जाता है पॉलिन का। टेम्परेचर के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाए क्योंकि पूछा गया था नॉट अचीव्ड। नेक्स्ट पे आते हैं 41 देखेंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से आपको गलत स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। तो पहला कहा गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में जाइगोट डिवाइड होता है और फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का, ठीक है, और ये कहाँ पर होता है, तो ओव्यूल के अंदर ये सब चीजें होती हैं। तो पहला ऑप्शन ये सही है। सेकंड में कहा गया तो ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ टफ कोट, और फिर ओव्यूल के ऊपर टफ कोट आ जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सीड में फिर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ओवरी ग्रोज रेपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। फिर ओवरी जो है वो डेवलप होती है और फॉर्म होते किस चीज का फॉर्मेशन हो, तो एक फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए फ्रूट को और क्या कहा जाता है, तो राइपेंड ओवरी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि फ्रूट क्या होता है, तो फ्रूट एक राइपेंड ओवरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट। अब देखिए आपको पता होगा जो बीज होती है, सीड होता है, उसी में फ्यूचर प्लांट होता है या एम्ब्रियो होता है, विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। और उसको अगर एप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड कराई जाए तो वो एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो सीड का कन्वर्जन जो सीडलिंग में होता है इस प्रोसेस को कहा जाता है जर्मिनेशन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो 42 क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। 43 क्वेश्चन को देखेंगे। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, As the rate of general body growth begins to slow down। अब देखिए जब जो बॉडी ग्रोथ का रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर। तो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो मैच्योर होने लग जाते हैं। इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है एडोलेसेंस का, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन डैश। अब देखिए स्पर्म जो होता है आपको पता होगा ये मेल्स में होता है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव कह सकते हैं सेल्स होता है उसको स्पर्म कहा जाता है। अब आपको बताना है ये कहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में। ओवरी तो फीमेल से रिलेटेड है, ओवी डक्ट भी फीमेल से, फैलोपियन ट्यूब ओवी डक्ट एक ही चीज है, तो ये दोनों फीमेल में होती है, ये भी फीमेल में होता है। तो टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं 45वां क्वेश्चन कह रहा है टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस याद रखिएगा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होती है, ठीक है, और स्क्रोटम में, ठीक है, बिकॉज स्पर्म रिक्वायर्स अ डैश टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब जो स्पर्म है उसको कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो जो बॉडी टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है, याद रखिएगा, ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर आपको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो स्पर्म फॉर्मेशन में जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो इससे कम होती है। तो अगर बॉडी के अंदर होता तो स्पर्म का फॉर्मेशन ना हो पाता, इसीलिए बॉडी के बाहर है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ब्रिंग्स चेंज इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है, ठीक है, जिसका अपीयरेंस मतलब जिसकी वजह से बॉयज में अपीयरेंस का चेंज आता है। आपने देखा होगा बॉयज की दाढ़ी वाड़ी निकल आती है, ठीक है, मुहासे से निकल आते हैं। तो ये किसकी वजह से, किस हार्मोन की वजह से ये सब चीजें होती हैं? तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में कहा गया द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द डैश। अब देखिए जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसकी डिलीवरी किससे होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यूनाइट्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में जाके फिर वो जाके मिल जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। एक ट्यूब आता है यूरिनरी ब्लैडर से, उसी के साथ वो मिल जाएगा। तो जो स्पर्म है वो डिलीवर किससे होता है आपको बताना है, तो वास डिफरेंस से डिलीवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, ठीक है। 48 क्वेश्चन देखिए क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो स्पर्म और यूरिन का जो कॉमन पैसेज होता है उसका मतलब वो क्या है ये आपको बताना है। तो इसको भी क्या कहते हैं, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो इस प्रोसेस मतलब जो ऑर्गन है इसको कहते हैं यूरेथ्रा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यूरेथ्रा से आप याद रखिएगा स्पर्म भी बाहर निकलते हैं और यूरिन का भी बाहर मतलब ये कह सकते हैं इजेक्शन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कहा गया अलॉन्ग द पाथ ऑफ वास डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल एट देयर सिक्रीशन सो दैट स्पर्म आर नाउ अ फ्लूइड व्हिच मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट इजियर एंड दिस फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो देखिए जो सेमिनल वेसिकल है या जो प्रोस्टेट है ये मेनली क्या करता है, तो इसके दो काम है। पहला तो लिक्विड में कन्वर्ट करता है, मतलब स्पर्म को लिक्विफाई करता है और जिससे ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके स्पर्म्स का, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, 50th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल एंड हेल्प देम टू मूव टुवर्ड्स अ फीमेल जर्म सेल। तो किसकी बात हो रही है? तो आपने देखा होगा जो स्पर्म होता है, उस स्पर्म का अगर शेप देखा जाए तो स्पर्म का जो शेप होता है उसमें एक टेल होती है, ठीक है, और ये टेल क्या होती है, ये मूवमेंट में मदद करती है। तो यहाँ पर स्पर्म्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही है। स्पर्म क्या होते हैं, तो मेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा था, फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन द डैश। तो जी फीमेल जर्म सेल या फीमेल जो एग्स होते हैं ये कहाँ पर बनते हैं, तो ये बनते हैं ओवरीज में, ठीक है, और जो मेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, 52nd क्वेश्चन बोला गया है वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी डैश बाय द ओवरीज। तो देखिए ओवरी हर महीने, ठीक है, हर मंथ, ठीक है, एवरी मंथ क्या करती है, एक एग प्रोड्यूस करती है, और जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो उसी से धीरे धीरे करके एम्ब्रियो में कन्वर्जन होगा, एम्ब्रियो फिर फीटस में बनेगा और फीटस बाद में 9 महीने में एक बेबी का रूप ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है द एग इज कैरीड फ्रॉम ओवरी टू द वॉर्म थ्रू अ थिन डैश, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, जो एग है, ठीक है, जो एग होता है इज कैरीड फ्रॉम ओवरी, तो वो ओवरी से कैरी होता है टू द वॉर्म थ्रू अ थिन डैश। तो कहाँ पे कैरी होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन मेनली आपसे पूछा गया है जो एग होते हैं, ठीक है, जो ओवरी में क्रिएट होते हैं वो वॉर्म तक पहुंचते हैं, और किसके थ्रू पहुंचते हैं आपको बताना है, तो ओविडक्ट के थ्रू पहुंचते हैं, ठीक है। तो ओविडक्ट को याद रखिएगा फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है। 54th क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला दिया गया द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूरेट्रस। यूट्रस बिल्कुल ठीक है। तो जो दो ओविडक्ट होते हैं ये यूनाइट होते हैं, मतलब जाके मिलते हैं, एक इलास्टिक बैग स्ट्रक्चर होता है उसमें, और उसको क्या कहता है, यूट्रस कहता है, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 कहा गया यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू दी सर्विक्स। तो यूट्रस ओपन होता है वजाइना में, और किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 55th क्वेश्चन कह रहा है द फर्टिलाइज्ड एग स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ डैश। तो देखिए जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसको जाइगोट कहते हैं, याद रखिएगा फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है, ठीक है। इसका डिवीजन होता है और क्या फॉर्म होता है, तो बॉल फॉर्म मतलब कई सारे मतलब फॉर्मेशन होता है, कई मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब कई सारे छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, तो वो एम्ब्रियो बॉल ऑफ सेल्स, बॉल ऑफ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखेंगे। 56 क्वेश्चन कह रहा है 56 क्वेश्चन में कहा गया द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। अब देखिए जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की लाइनिंग में पहुंच जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके डेवलप होता है और उसमें ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और ये फिर क्या बन जाता है, तो ये एक फीटस बन जाता है। ठीक है, तो फीटस वो कंडीशन होती है जिसमें हम लोग ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। तो देखिए जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन लेता है मदर्स ब्लड से, आपको पता होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। अब देखिए वो जो स्पेशल टिश्यू होती है जिससे एम्ब्रियो को मतलब ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन मिलता है मदर ब्लड से, तो उस स्पेशल टिश्यू को कहा जाता है प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 58 कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के बारे में इनकरेक्ट बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर जितने स्टेटमेंट दिए गए हैं सब करेक्ट हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये केवल प्लेसेंटा के बारे में ही है कि प्लेसेंटा क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 क्वेश्चन क्या रहा है द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली डैश मंथ। तो कितने महीने लेता है चाइल्ड का डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर, तो 9 months लेता है अप्रॉक्सीमेट। नेक्स्ट पे आते हैं 60th क्वेश्चन कह रहा है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कितने दिनों के लिए चलती है, मेंस्ट्रुएशन कितने दिनों तक चलता है, तो 2 से 8 दिन तक ये चलता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहा गया गोनोरिया और सिफिलिस जो है वो किससे होती है, तो ये कैसी है, तो ये आपको पता होगा एसटीडीज हैं। एसटीडीज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं और ये किससे होती है, तो ये होती है बैक्टीरिया से। ठीक है, बहुत खतरनाक डिजीजेज हैं ये। नेक्स्ट पे आते हैं 62 वर्ड्स एंड HIV एड्स आर कॉज्ड बाय। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज दी गई जैसे HIV एड्स है, तो ये किससे होता है, तो ये वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है और HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो यहाँ पर किससे होता है, वायरस से होता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए पहला कहा गया है इन वास इफ दी वास डिफरेंस। तो देखिए वास डिफरेंस जो है अगर उसको मेल में ब्लॉक कर दिया जाएगा तो स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड में कहा गया फिलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक, लेकिन फीमेल में क्या होता है फिलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे एग जो होते हैं वो यूट्रस तक पहुंच नहीं पाते, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मेनली कह सकते हैं कि जो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं कुछ। थर्ड में कहा गया इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, दोनों केसेस में जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया केमिकल मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक। ये जो ब्लॉक क्रिएट हो रहा है तो क्या ये केमिकल मेथड से होता है, तो केमिकल मेथड नहीं है, ये कैसे मेथड्स हैं, तो ये सर्जिकल मेथड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर्जिकल होना चाहिए, केमिकल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर इनकरेक्ट आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। इसमें कहा गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। अब देखिए बडिंग जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता होंगे कई सारे टाइप के होते हैं, तो उसमें बडिंग एक एग्जांपल, और बडिंग किस में होता है आपको यहाँ पर बताना है, तो बडिंग होता है यीस्ट में। ठीक है, आपने देखा था अमीबा में क्या होता है, अमीबा में होता है बाइनरी फिजन, ये भी आप लोग याद रखिएगा, अमीबा में क्या होता है बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना। ठीक है, लेकिन यीस्ट में क्या होता है बडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अब देखिए ह्यूमन बीइंग में आपको बताना है कौन सा ऐसा पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, यूट्रस भी होता है, फेलोपियन ट्यूब भी होता है। वाज डिफरेंस जो है किसमें होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, तो यहाँ पर वाज डिफरेंस विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें कहा गया एंथर में क्या होता है, एंथर कंटेन्स व्हाट, तो एंथर्स में सीपल्स नहीं होते, ठीक है, ओव्यूल्स भी नहीं होते हैं, पिस्टिल भी नहीं होते हैं, एंथर्स में क्या होते हैं पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट। तो देखिए टॉल प्लांट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल TT से, और शॉर्ट प्लांट को किससे रिप्रेजेंट किया है स्मॉल TT से। रिजल्टेंट इन अ प्रोजनी दैट वर ऑल टॉल प्लांट एज। ठीक है, तो आपको बताना जो प्रोजनी होगी वो क्या होगी। देखिए इस केस में जो प्रोजनी बनी है वो कैसी है, वो ऑल टॉल प्लांट्स की है, तो ये कब होगी ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो टॉलनेस जो है डोमिनेंट रेट है तब ये ऐसा होगा, तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया हु हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो परफेक्ट पेयर सेक्स क्रोमोसोम का किसके पास होता है, तो ए ऑप्शन गर्ल्स ओनली, बॉयज़ ओनली, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, डिपेंड्स ऑन मैनी अदर फैक्टर्स, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है गर्ल्स। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम आपको पता होगा बॉयज़ में क्या होता है, तो बॉयज़ में होता है क्या, बॉयज़ में होता है XY, और गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में होता है XX। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहाँ पे देखा जाएगा तो इसमें गर्ल्स आंसर सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। 3 में क्या कहा गया, अ क्रॉस बिटवीन, अब देखिए क्रॉस किया गया है किसके किसके बीच में, टॉल प्लांट है कैपिटल टी टी, शॉर्ट प्लांट है स्मॉल टी टी, रिजल्टेड इन प्रोजनी दैट वर ऑल टॉल प्लांट्स एज, अब देखिए यहाँ पर जो प्रोजनी आई है यहाँ पे भी बोला गया ऑल टॉल प्लांट्स, तो यहाँ और पिछला वाला क्वेश्चन सेम हो जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा गया इफ़ अ नॉर्मल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, आपको पता होगा जो नॉर्मल सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, तो 46 पेयर ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं या 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, 46 पेयर नहीं होंगे, 23 पेयर होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन अ सेक्स सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी, तो आपको बताना है सेक्स सेल में कितने क्रोमोजोम होंगे, ये इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या कहा गया है, फर्स्ट में कहा गया है 60, सेकंड में कहा गया है 22, 23, ऐसे ऐसे करके आपको दिया गया है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। देखिए इसमें कहा गया है द नॉर्मल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, तो 46 पेयर दिए गए, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी में 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं, तो बताना है नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द सेक्स सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी, तो कितने सेक्स सेल होंगे, तो इसके आधे होंगे क्योंकि हैप्लॉइड होते हैं हमेशा सेक्स सेल, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड कितना हो जाएगा 46/2, मतलब 23 सेक्स सेल होंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से तो क्रोमोजोम जो सेक्स सेल में होंगे वो कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। नेक्स्ट में आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रांगली इंडिकेट्स दैट बर्ड्स एंड डायनासोर्स आर क्लोजली रिलेटेड, तो बर्ड्स और डायनासोर क्लोजली रिलेटेड है, ये किससे कैसे पता चलता है, ठीक है, तो दोनों के पास अगर आप देखेंगे तो दोनों के पास क्या होता है, दोनों के पास फेदर्स होते हैं, तो बर्ड्स के पास भी फेदर्स हैं और डायनासोर्स के पास भी फेदर्स हैं, इसलिए ये दोनों एक ही जैसे होते हैं, ठीक है, मतलब इंडिकेशन एक ही जैसा होता है इनका, एक ही जैसे दिखते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया ना पी, इन पी मटर के बारे में बात करी गई, जो पी होता है, अ प्योर टॉल प्लांट टी टी इज क्रॉस्ड विद अ प्योर शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी टी, तो देखिए प्योर जो टॉल प्लांट है उसको कैपिटल टी टी से रिप्रेजेंट किया गया है, प्योर शॉर्ट प्लांट को स्मॉल टी टी से रिप्रेजेंट किया गया है। द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में रेशियो क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़ है, F2 जनरेशन में अगर आप रेशियो देखेंगे तो क्या होता है, 1:1 का होता है, तो इसमें C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट दैट कैन बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन, तो इसमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है पेरेंट की जो बच्चे इनहेरिट कर लेते हैं उनके, ये क्वेश्चन बताना है। तो पहला दिया है डीप स्कार ऑन चिन, गलत है, कट नोज़ भी गलत है, टेक्निक ऑफ स्विमिंग भी गलत है, स्नब नोज़ जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर, इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डायरेक्ट कंक्लूजन दैट कैन बी मेड फ्रॉम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा कंक्लूजन है जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हम लोग को नहीं पता चलता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो देखिए पहले में क्या कहा गया, ओनली वन पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड, सेकेंड में कहा गया है ये सही है, ये तो पता चलता है, 2 कॉपीज़ ऑफ ईच ट्रेट इज इनहेरिटेड इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है, थर्ड में कहा गया फॉर रिसेसिव ट्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड बोथ कॉपीज शुड बी आइडेंटिकल, ये भी आपका ऑप्शन सही है। इसमें गलत कौन सा है, नेचुरल सिलेक्शन कैन ऑल्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है ये गलत है, ये कहीं भी उससे नहीं पता चलता। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में देखिए क्या कहा गया, विच वन इज पॉसिबल प्रोजनी इन F2 जनरेशन ऑफ प्योर ब्रेड टॉल प्लांट विद राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 9th क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो इसमें फर्स्ट में कहा गया टॉल प्लांट विद राउंड सीड, ये भी सही है, टॉल प्लांट विद रिंकल्ड सीड भी सही है, शॉर्ट प्लांट विद राउंड सीड भी सही है, तो इसके सारे के सारे आंसर सही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन ईच गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट इफ द पॉलीसेड सेल्स ऑफ अ स्पीशीज ऑफ प्लांट कंटेन्स 28 क्रोमोजोम इन ऑल, तो टोटल क्रोमोजोम कितने हैं, 28 हैं, तो इस क्वेश्चन में जो आंसर बनेगा वो आपका कितना हो जाएगा, फिर से हाफ हो जाएगा, कितना 14। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 11, मेन हैव डैश पेयर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, कैसा पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है मेन में, ये आपको बताना है। तो मेन में होता है मिसमैच्ड, मतलब एक एक्स होता है, दूसरा क्या होता है वाई होता है, और गर्ल्स में अगर देखेंगे तो दोनों ही एक्स होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट पेयर हो जाएगा, ऐसे कैसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहा गया एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन, तो जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है वो किस टाइप के रिप्रोडक्शन में होता है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, मैमल्स में होता है, तो वो क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा गया, टू पिंक कलर फ्लावर ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड इन वन रेड, टू पिंक एंड वन वाइट फ्लावर प्रोजनी, द नेचर ऑफ क्रॉस विल बी। तो जो नेचर होगा, देखिए दो पिंक फ्लावर थे और उनसे क्या क्या बने, एक रेड बना, दो पिंक बने और एक वाइट बना। अब आपको बताना है जो क्रॉस हुआ उसका नेचर क्या होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 13 में यह क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट टी टी एंड शॉर्ट पी प्लांट स्मॉल टी टी रिजल्टेड इन प्रोजनी दैट वर ऑल टॉल प्लांट्स बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए वही सेम बात करी गई जो अभी ऊपर करी गई थी, ठीक है। तो टॉल प्लांट में जो प्रोजनी बन रही हो क्या है, वो टॉल प्लांट की है। तो ये क्यों होगा, क्योंकि टॉलनेस जो होगी वो डोमिनेंट ट्रेट होगी। नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट, फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, सही है। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, ये भी सही है। फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन, ये गलत है। हर फैट के मॉलिक्यूल के लिए जीन होना कंपलसरी नहीं है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन, ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया, इफ़ राउंड ग्रीन सीडेड प्लांट आर आर वाई वाई इज क्रॉस्ड विद रिंकल्ड येलो सीडेड पी प्लांट आर आर कैपिटल वाई वाई है, ठीक है। द सीड्स प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में आपको बतानी है जो सीड प्रोड्यूस होगी इस केस में वो कैसी होगी। तो ये हो जाएगी राउंड एंड येलो, ठीक है, राउंड एंड येलो सीड प्रोड्यूस होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा गया, अ जाइगोट विच हैज़ एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू अ। अब देखिए एक्स क्रोमोसोम किससे मिला, फादर से मिला। तो एक्स किससे मिला होगा, मदर से, क्योंकि मदर के पास तो सिर्फ एक्स है, ठीक है। और एक्स क्या बन जाएगा, एक्स और एक्स बन जाएगा आपका गर्ल की बॉय, गर्ल बनेगा। तो इसमें 17 क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा, गर्ल आ जाएगा। अगर मान लीजिए वाई मिल रहा होता फादर से, ठीक है, वाई क्रोमोसोम फादर से आ रहा होता तो मदर से एक्स आता, तो एक्स और वाई क्या बन जाता, ये बॉय बन जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेल होता है, जो फादर होता है, वो डिसाइड करता है कि बच्चा जो होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा, मतलब फादर का क्रोमोसोम डिसाइड करता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहा गया, इन ह्यूमन मेल्स ऑल क्रोमोसोम आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन। तो ह्यूमन मेल के टर्म्स में अगर देखें, मेल के क्रोमोसोम में देखा जाए तो सारे के सारे परफेक्टली पेयर होते हैं। सिर्फ अनपेयर्ड जो क्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो बेसिक सी बात है कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए 18 क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वाई क्रोमोसोम, ये भी होगा और साथ ही साथ एक्स क्रोमोसोम भी होगा। तो इसमें एक्स और वाई दोनों सही हो जाएंगे। तो इसमें सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पता होगा मेल में जो होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, यही आपके मिसमैच क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट पाएंगे, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी है, किससे एसोसिएटेड है, तो ये डार्विन से एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन ह्यूमन इफ जीन बी गिव्स ब्राउन आइज। देखिए जीन बी जो है वो क्या दे रहा है, ब्राउन आइज दे रहा है, और जीन स्मॉल बी क्या दे रहा है, ब्लू आइज दे रहा है। व्हाट विल बी द कलर ऑफ आइज ऑफ पर्सन हैविंग कॉम्बिनेशन कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी, ठीक है। आपको बताना है इस कॉम्बिनेशन में जो आइज होंगी वो कैसी होंगी, ठीक है। तो अगर कैपिटल बी स्मॉल बी की बात करी जाए तो ये ब्राउन आइज होंगी, और कैपिटल बी की बात की जाए तो ये भी ब्राउन आइज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब 21 में देखिए क्या कहा गया है, टू पी प्लांट्स, अब देखिए दो पी प्लांट्स दिए गए हैं, वन विद राउंड ग्रीन सीडेड आर आर वाई वाई एंड अनदर विद रिंकल्ड येलो कैप स्मॉल आर आर वाई वाई है, ठीक है। अब कहा क्या गया क्वेश्चन में, सीड्स F1 प्रोजनी दैट हैव राउंड येलो, F1 प्रोजनी में आपको दिया गया ये बन रहा है। When F1 plant are served, then F2 progeny will be have new combination of characters. Choose the new combination from the following. तो F2 जनरेशन का आपकी प्रोजनी बतानी है क्या होगी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अ ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ट्रेट्स होते हैं वो कौन इन्फ्लुएंस करता है, ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए, मतलब मदर का डीएनए और फादर का डीएनए दोनों ही क्या करते हैं, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कहा गया, देयर इज एन बिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो टेंडेंसी होती है, इनबिल्ट टेंडेंसी होती है वेरिएशन की रिप्रोडक्शन के दौरान। ऐसा क्यों होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। द टू वर्जन्स ऑफ ट्रेट, ठीक है, दो वर्जन्स हैं ट्रेट के, कैरेक्टर के, विच आर ब्रॉट इन बाय मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर सिचुएटेड ऑन। तो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं जो वर्जन्स होते हैं ट्रेट के, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, जो मेल और फीमेल से आते हैं। तो ये जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 में क्या कहा गया, सेलेक्ट दी स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जीन्स। तो जीन्स से रिलेटेड बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, पहला कहा गया जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड में जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स, गलत है। थर्ड में कहा गया इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन पर्टिकुलर क्रोमोजोम, ये भी सही है आपका। तो इसमें 1 और 3 जो है ये आपका सही है। ईच क्रोमोजोम हैज़ ओनली 1 जीन, ये आपका गलत है। तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ सर्वाइवल एडवांटेज एंड ऑल्टर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि गिव्स अ सर्वाइवल एडवांटेज, सर्वाइवल एडवांटेज दे रहा है और इनहेरिटेड ट्रेट की फ्रीक्वेंसी को ऑल्टर कर रहा है। तो ये कौन करेगा, नेचुरल सिलेक्शन करेगा या ये जेनेटिक ड्रिफ्ट करेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, नेचुरल सिलेक्शन ही करेगा और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो ऐसा काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन पीस ऑफ प्योर टॉल प्लांट के बारे में बताया गया है, कैपिटल टी है, क्रॉस किया गया है, शॉर्ट प्लांट की बात करी गई है, ठीक है, स्मॉल टी है। द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट्स इन F2। अब देखिए F2 जनरेशन पूछा गया है, रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें क्या कहा गया, अ क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स रिजल्ट्स इन अ रेशियो ऑफ 9:3:3:1 फॉर 4 पॉसिबल फिनोटाइप्स ऑफ प्रोजनी, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो आपको बताना है ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये जो एग्जाम्पल होगा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का होगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। 29 देखिए, 29 क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डायरेक्ट कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कौन सा कंक्लूजन यहाँ पर गलत है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला देखिए क्या कहा गया, ओनली 1 पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ओनली 1 पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। सेकंड में कहा गया 2 कॉपीज़ ऑफ ईच ट्रेट इज इनहेरिटेड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। थर्ड में कहा गया फॉर रिसेसिव ट्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड बोथ कॉपीज शुड बी आइडेंटिकल, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो ये तीनों सही हैं। गलत कौन सा है इसमें अगर आप देखेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन ऑल्टर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट, ये अगर देखा जाए तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से मेंडल का कंक्लूजन नहीं है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से हम लोग को पता चलता है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है दैट इज़ दी रॉन्ग आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन जाइगोट ऑफ ह्यूमन इज। तो अगर ह्यूमन के जाइगोट में देखा जाएगा तो कितने पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो जाइगोट में देखा जाएगा तो 1 पेयर होता है, मतलब या तो XX हो जाएगा या तो XY होगा, तो 1 ही पेयर तो हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट पे आते हैं 31 क्वेश्चन में देखते हैं। 31 में देखिए क्या कहा गया, द ऑर्गेन प्रेजेंट इन 2 ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेन्स प्रेजेंट इन 2 ऑर्गेनिज्म इंडिकेट दैट दे आर डिराइव फ्रॉम द सेम एंसेस्टर आर, ठीक है। तो आपको बताना है सेम एंसेस्टर से आए हैं ऐसे कौन से ऑर्गन है जिसको मतलब जिसके बारे में ये चीज़ पता चले, ऐसे 2 ऑर्गन के बारे में बताना है जो आपको देख के लगे कि हाँ ये पुराने मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं उन्हीं में से आए हैं। तो इसमें ऐसे ऑर्गन को क्या कहा जाएगा, ऐसे ऑर्गन को कहा जाता है होमोलॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। विच वन इज़ पॉसिबल प्रोजेनी इन F2 जनरेशन ऑफ प्योर, देखिए प्योर ब्रेड टॉल विद राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड, इसके बारे में आपको बताना है कि क्या सही हो। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड, ठीक है, बनेगा। सेकंड में कहा गया टॉल प्लांट विद रिंकल्ड सीड, ये भी बनेगा, शॉर्ट प्लांट विद राउंड सीड, ये बनेगा। तो इसमें तीनों ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, तो F2 जनरेशन में, ठीक है, ये तीनों आएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। इंडिपेंडेंस इनहेरिटेंस ऑफ 2 सेपरेट ट्रेट्स शेप एंड कलर ऑफ सीड इन मेंडल्स क्रॉस ऑन पी प्लांट रिजल्टेड इन ऑब्जर्वेबल रेशियो ऑफ। तो आपको बताना ऑब्जर्वेबल रेशियो जो मेंडल के क्रॉस में हुआ था वो क्या होगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेबल रेशियो क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 9:3:3:1, ये भी हम लोग ने एक पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ह्यूमन प्रोजेनी विल बी अ बॉय। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक बॉय होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है 50%। तो 50% ये है कि बॉय होगा, 50% होती है कि गर्ल होगी। नेक्स्ट पे आते हैं अ सिलेक्शन ऑफ DNA प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ 1 प्रोटीन इज कॉल्ड। तो देखिए सेक्शन ऑफ DNA, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं, सेक्शन ऑफ DNA प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर 1 प्रोटीन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो 1 प्रोटीन के बारे में दे एक सेक्शन ऑफ DNA, उसको क्या कहा जाता है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तो इसको कहा जाता है जीन, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड जीन। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स बाय जीन्स, मतलब जीन्स कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, जीन्स के द्वारा क्या कंट्रोल किया जाता है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए वेट ऑफ द पर्सन नहीं, जीन्स नहीं कंट्रोल करते, हाइट ऑफ द पर्सन जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन सही है। वेट तो और सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो खाना कितना खाता है, वो एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे वेट डिपेंड करता है। लेकिन जो हाइट होती है ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जीन्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो इसमें ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो भी हम लोग ने डिस्कस किए। इसके बाद जो सेशंस आएंगे वो आपके पास और भी आते रहेंगे, लेकिन आप प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो करते रहिए क्लास 10 साइंस की MCQ की, जिसमें आपको सारे के सारे रिवीजन के चैप्टर्स आसानी से मिल जाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।